जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी मेहनती होने के साथ साथ ईमानदार भी हैं। पहले भी देखा गया है कि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हमेशा ही अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं और आज फिर से हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने एक मिसाल कायम की है। एक पैसेंजर जब हरियाणा रोडवेज सिरसा डिपो की बस में 1.5 लाख रुपये भूल गए तो बस के चालक परिचालक ने उस यात्री से संपर्क किया और उन्हें उनके पैसे देकर हरियाणा रोडवेज का नाम फिर से रोशन किया। हमें हरियाणा रोडवेज के ऐसे कर्मचारियों पर गर्व है जो कि हरियाणा रोडवेज में अपनी सेवा दे रहे हैं। इस वीडियो को लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट जरूर कर देना और कोई फोटो या फिर वीडियो भेजने के लिए हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करें। देखो जी, 1.5 लाख रुपए हरियाणा रोडवेज सिरसा डिपो की बस में मिले हैं जो कि दिलीप सिंह चालक, परिचालक सुरेंद्र कुमार और भादरा वाली बस में मिले हैं। ये इस भाई के हैं, ये बता रहे हैं कि 500-500 की 3 गड्डी नहीं है बिल्कुल। आप पकड़ा दे दिलीप है, दिलीप आप जो कि खड़ा हो बने प्रधान जी खड़े हो जाते हैं क्यों यार के और असली मालिक तो मालिक को सौंपते हुए चमनलाल स्वामी प्रधान कुलवीर सिंह दिलीप सिंह सीता सिंह राम कुमार चुड़निया प्रधान ये सभी इनकी अपनी अमानत लौटाते हुए ये देखो जी हरियाणा रोडवेज सिरसा डिपो की बस नंबर 7959 में मिले हैं जो कि भादरा से आ रही थी और आज हरियाणा रोडवेज ने फिर एक बार ईमानदारी का परिचय देते हुए इस भाई को अपनी अमानत 1.5 लाख रुपए वापस लुटाते हुए धन्यवाद